हेलो गाइस, तो आ गए हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं फिर से ले आई हूँ एक तवाही टाइप से रश गेम, लाइक आ वीडियो। वैसे गाइस, रश मस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बट बंदे के लिए ना मतलब टीवी भी लेना भी जरूरी होता है। वैसे ये टीवी भी नहीं होता है, एक कवर होता है जो मैं लेती हूँ, क्योंकि तो नहीं तो मैं ही पेटी बन जाऊंगी। अगर मैं पेटी बन जाऊंगी तो आप लोग कैसे इंटरटेनमेंट करूंगी ना। तो ये सब छोड़ो, आप लोग पूरा वीडियो देखो, मतलब गेम प्ले का वीडियो देखो एंड काफी मजा आएगा। एंड उसके साथ साथ चैनल पे जो कोई भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और लाइक भी उसके साथ साथ कर दो। तो यहाँ पे देखो, उतरते उतरते रश करना तो स्टार्ट कर दिया था। वैसे गाइस, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके एक जगह पे उतरते हैं, मतलब ये जगह बहुत अच्छा है लूट के लिए, इसलिए उतरते तो है। बट यहाँ पे मुझे इसलिए आना था क्योंकि इतना सारे बंदे जो मिल जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि ज्यादा पे ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे बंदा होगा किल ज्यादा वहां पे ही होगा। तो जो भी इधर से देखो, मैं बहुत सारे किल विल तो अभी तक कर लिया था, ठीक है। तो सामने भी बंदा बंदा है, सबको एक एक करके फिनिश करती हूँ। वैसे गाइस, ये जो सामने जो बंदा था, ये बंदा मतलब कवर लेके बहुत अच्छे से डैमेज दे रही थी, तो इसको तो नॉक कर दिया था। बट इसका जो टीममेट है तो इतना तो जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो देखो, ये जो टीममेट है मुझे तो मतलब नॉक कर देगा, बट मेरा जो नल्ला टीममेट प्रो टीममेट है मेरे पास, तो देखो कैसे मुझे बैक कवर देता है। तो गाइस देखो, इसको बोलता है प्रो टीममेट, वैसे जैसे मेरा टीममेट है। तो यहाँ पे चलते चलते एक बॉट के साथ मुलाकात हो गया था, तो मैं बॉट को बहुत अच्छे से लिफ्ट आया था। वैसे गाइस, बॉट जहाँ पे भी देखो ऊपर नीच डाए बाए आग बंद करके मार देना चाहिए, क्योंकि बॉट होता है केडी, केडी बनाने के लिए बॉट ही काफ़ी है। एंड गाइस, इस गेम प्ले के अंदर स्विच बोल रहे हो, एक हैकू टाइप से फीलिंग आ रही थी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग पूरा गेम प्ले देखो पता चल जाएगा। बट मैं हैकू नहीं हूँ, ये गलत मत सोचना, ठीक है। इसको स्किल बोलता है, तो आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा क्यों हैकू टाइप से फीलिंग आ रही थी मेरी। सच्ची दिल खुश हो गया था, वो मतलब इतना सुंदर जो फीलिंग था ना, मतलब वैसा फीलिंग बिरयानी खाने से मिलता है। तो जो भी, खैर छोड़ो जोक से पार्ट, यहाँ पे देखो एक बंदा बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरा टीममेट को यहाँ पे नॉक भी कर देगा एक कुत्ता का मीना। बट ऐसा तो नहीं मैं छोड़ सकती ना, प्रतिशोध लूंगी, देखो कैसे। तो देखा गया, इसको बोलते हैं प्रतिशोध लेना। वैसे रियल लाइफ में तो मुझे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है रियल लाइफ में अगर हाथ में कोई गन दे देगा तो मैं पूरा से पूरा कांपते कांपते वाइब्रेट होते होते मैं वहाँ वहाँ पर ही ख़त्म हो जाऊंगी, ये मुझे पता है। बट हाँ, गेम के अंदर ये सब मेरे पास तो पानी जैसा है। तो जो भी इधर से किया विल जितना हो सके मैं कंप्लीट किया, फिर जाके मैं अब नेक्स्ट किले के ऊपर आती हूँ। अब इधर पे देखो क्या ही सीन होगा, आप देखो गाइस, ये है वो जगह, ये जगह पे मेरा फीलिंग पूरा से पूरा हैकू टाइप से हो जाएगा। तो किस लिए हैकू टाइप से फीलिंग आएगा आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो सामने एक बंदा, थोड़ा बोल भी देती हूँ, एक्चुअली सामने एक बंदा रहेगा, वो इधर आने के लिए बहुत स्मोक मोक करेगा, एंड स्मोक के अंदर से कितना मतलब सुंदर मैं पूरा से पूरा फिनिश कर देती हूँ ये बंदे को, मतलब देखने से ही ना पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। और ये किल देखने के बाद जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब एंड लाइक करनी ही चाहिए वीडियो के लिए। और ये किल देखने के बाद मतलब ऐसा मत बोलना कि मैं गुरु, एक्चुअली ये स्किल होता है, मैं जस्ट अंधेरा पे ढील मारा था तो अपने आप ही मर गया ये बंदा। तो लास्ट और एक बंदा बचा था, ये भागने का बहुत कोशिश करेगा, तो देखो लास्ट तक किसका चिकन डिनर होता है। तो चलो फाइनली हो जाता है चिकन डिनर। तो गाइस, आज का गेम प्ले का वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करो देना। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टाटा।